हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आज भाई हम एक और नया ब्लॉग के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। आज ब्लॉग बन रहा है भाई। हम लोग का जो ऑनर है कंपनी का, उनका खेत में हार्वेस्टर चल रहा है भाई। आज तो धान कटाई हो रहा, ठीक है, खेत में से धान कट करके घर पे जा रहा। तो हार्वेस्टर का क्या सिस्टम रहता है, कैसे कटता है धान, वो आपको इस ब्लॉग में दिखाया जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला भाई, जो कि विलेजर एरिया से कांटेक्ट नहीं रखते, ठीक है, वो लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। वो लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। इस खेत का नाम है भाई बड़ा खेत, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा, तकरीबन 4 एकड़ में ये खेत बना हुआ है। सिंगल खेत है 4 एकड़ का। और हमारे ऑनर संतलाल सर का खेत है। और इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में, जस्ट अपोजिट यहाँ पे हार्वेस्टर चल रही है। और ये हमारे ऑनर की इधर ट्रैक्टर भी लगी हुई है कहीं पर, शायद कैप्चर हो रहा है या नहीं पता वो। सो आपको हम लोग यहाँ से क्लोज जा कर के हर चीज़ को दिखाने का कोशिश करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ, जो कि आपको पूरा अच्छे समझ में आए, ठीक है। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर से दबाइएगा, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़बरदस्त मज़ा लीजिए। और ये हमारा स्वेटर है, ठीक है, जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से हम उतार दिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहीं पर और मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई लोग, बहुत ही ज़बरदस्त चारों तरफ खेत से भरा हुआ, एकदम मस्त, पूरा प्योर विलेजर एरिया भाई। खेत के अलावा और कुछ नहीं है। अगर सच बताया जाए ना भाई, तो रियल में अगर इंडिया देखना है ना, तो इंडिया यहीं पर दिखता है। कोई गांव में चल जाओ, कोई खेत में चल जाओ भाई, रियल इंडिया ये। अगर सिटी का बात किया जाए तो सिटी तो बहुत सारा भाई, पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड में सिटी भरा हुआ है, लेकिन आपको रियल इंडिया जो है एक गांव में ही जाके दिखता है कि रियल इंडिया है क्या आखिर में। और ये बंदे लोग जो हैं इधर, ये हैं एक, और इधर दो हैं, कुछ अलग भी हैं, 3-4 और भी हैं। ये लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं ऐसा कि जो हार्वेस्टर से 4-5-6 जो भी धान का जो फसल होता है, छोटा छोटा पौधा होता है, वो जो छूट जाता है कटिंग में, वो इकट्ठा कर रहे हैं हाथ से, ठीक है। क्योंकि मशीनरी चीज़ है भाई, कितना भी होगा तो हाथ के जैसा आप महीनी काम तो नहीं हो पाएगा भाई। मोटा मोटा जो जो है निकाल लेता है, जो बच जाता है वो ये लोग कलेक्ट करके एक जगह कर देते हैं। तो वो ट्रैक्टर भर के जा चुकी है डंपिंग के लिए, और दूसरा ट्रैक्टर यहाँ पे आने के लिए रेडी, जैसा कि आप देख सकते हो।
और इस ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हैं लोकेशर भाई, जिनका नाम है लोकेशर, और ये छोटे छोटे बच्चे लोग जो कि बैठे हुए हैं ट्रैक्टर में। स्वराज की ट्रैक्टर है, यशवंत कृषि फार्म जाड़ा मुड़ा। जगह पे पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन आप देख सकते हो जैसा कि वो ट्रैक्टर लोड होने पे लग गई है, ट्रेलर में डाला जा रहा है धान को। अभी आधा फुल हुआ, एक राउंड और हार्वेस्टर जब उधर से आएगी कलेक्ट करके जितने भी धान वो उसके बाद फिर फुल होगी, उसके बाद यहाँ से डंप के लिए निकल जाएगी घर को। ये देखिए कलेक्ट करने पे लग गई है। तो ये ब्लॉग आप जो देख रहे थे अभी, ये ब्लॉग यहीं तक का था और इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए कि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और वीडियो स्टार्ट हुआ था एक खेत से, एक हार्वेस्टर के साथ और तीन ट्रैक्टर के साथ स्वराज, ठीक है। और वीडियो का एंडिंग हो रहा अपना बिल्लो रानी जेसीबी के ऊपर, ठीक है। चलो भाई तो चलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सलाम।